गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल, स्वागत है सपना की प्यारी दुनिया में। मैं आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, हम लोग भी अच्छे हैं गाइस। और आज का मौसम बताऊँ, आज का बहुत ही अजीब मौसम है। तो ये देखो ऊपर का नज़ारा कितना साफ बादल हो जाता है, कभी कभी बादल आ जाता है, कभी कभी खूब तेज हवा चलने लगती है। अभी तो शांत है थोड़ा सा, मतलब सुबह एकदम तेज धूप, चमकदार धूप, और फिर तुरंत बादल हो गए, इतनी जोर से हवा की एकदम आंधी की तरह आने लग गई। और इसके बाद बादल के बाद फिर मतलब साफ हो गया मौसम, फिर धूप निकल आई, फिर हवा चल रही है। मतलब थोड़ी थोड़ी देर में मौसम को पता नहीं लगाया जा सकता कि कैसा है आजकल। और आप विश्वास नहीं करोगे, मैं दो बार झाड़ू लगा चुकी हूँ, फिर भी ये देखो, मतलब दो बार झाड़ू लग चुकी है मेरी, अब मुझे तीसरे बार लगानी पड़ेगी। संत पंचमी आ रही है ना, तो पतझड़ का मौसम उसी वजह से हो रहा है, आलस के दिन आ रहे हैं। तो गाइस ये कालू ने ना रात में आज कांड किया है। ये देखो चप्पल मेरी, एक चप्पल पता नहीं कहाँ खो दी, कहाँ खो दी। मैं पूरे जगह ढूंढ के आई हूँ, इधर भी और इधर भी, और गाड़ियों के नीचे सब जगह ढूंढती फिरती रही, पता नहीं इसने एक जोड़ी कहाँ खो दी मेरी। अब वो चप्पल बेकार हो गई, ये लो। अब बता दो कालू कहाँ है। कालू बताने वाला है नहीं है, और ये देखो लेटा भी रहता है यहाँ पे, और हमारा कांड भी करता है, चप्पल भी खोता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरा किचन एकदम साफ है, मतलब खाना पीना बन गया, बच्चे स्कूल चले गए, हस्बैंड भी काम पे चले गए। अब मैं सोच रही हूँ कि आज ये तीनों खानों की सफाई कर लूँ। सर्दी के दिन होता है, छोटे छोटे दिन होते हैं ना, तो मैं कर नहीं पाई, तो आज इन तीनों के सामान हटाती हूँ तीनों खानों से और सफाई कर लेती हूँ। आज ये भारी है, बाल्टी में पानी है, तो ये सामान है ना सारा निकालूंगी, बहुत सारा सामान रखा है इसमें, एक्स्ट्रा रखा रहता है, बड़े बड़े डिब्बे, उसमें भी बर्तन पड़े हैं, तो बहुत सारा सामान है ना एक्स्ट्रा रखा रहता है, तो इसको कम से कम एक महीने के अंदर तो साफ करना ही पड़ता है। पता नहीं कैसे खूने में भी धूल मट्टी चढ़ जाती है, तो साफ तो करना पड़ेगा, अभी सर्दी में ज़्यादा किया नहीं था मैंने। फ्रेंड्स इन दोनों खानों को तो मैंने अच्छे से मतलब झाड़ू लगा के और दूसरे अखबार बिछा दिए, और ये देखो कितना गंद निकला है, और ये देखो कैसे फैला पड़ा है पूरा सामान, ये डिब्बे भी देखो कितने गंदे हो गए थे, तो इनको ना सब मैं लगाऊंगा अच्छे से साफ करके। ये देखो कितनी धूल मट्टी चढ़ गई, ये देखो। तो गाइस किचन के खाने भी साफ हो गए, बाहर भी सफाई कर दी, अभी भी जोरदार हवा चल रही है और वो फैले जा रहा है अभी भी पत्ते, तो रहने देती हूँ, अब मैं नहा लेती हूँ। ये देख रहे हो पागलों की तरह हाल हो गया मेरा काम करते करते, अब जा लेती हूँ नहा के, इसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो नहा चुकी गाइस मैं, खाना भी खा लिया, और पता है एक चीज़ से हम लोग बहुत परेशान रहते हैं यहाँ पे, मतलब इसी मकान में तीन चार लोग रहते हैं, और उनकी दुकानें हैं तो लगा लगा के मतलब ताला चले जाते हैं और मोटर चला जाते हैं। अब जो जहाँ रहता है मतलब उस तरफ से रहते हैं तो उन्हें बंद करना पड़ता, हम यहाँ रहते हैं तो हम यहाँ से लगा रखा है कनेक्शन, तो अब पता मुझे दुकान जाना पड़ेगा। मतलब ये रोज ही होता है, रोज ही भूल जाते हैं और बस चले जाते हैं, इस तरफ से ताला लगा के चले गए, अब मुझे आगे तक जाना पड़ेगा, दुकान उधर है तो मैं जा रही हूँ। चला के भूल जाते हैं, मुझे परेशान होना पड़ता है, रोज़ का काम हो गया उनका ना, दिन में दो तीन बार, फिर आते जाओ, और कभी ना स्कूल चली जाती हूँ तो बहता रहता है पानी, तो ये लोग ऐसा करते हैं रोज। मोटर चालू करके आ गए, रोज ही का हो जाता है, घंटी लगवा लो, दिक्कत करते हैं। मैं ना हफ्ते में चार पाँच बार आती हूँ दुकान में, बैठे बैठे उनके नखरे देखो कितने हैं, कह रहे कि कोई बात नहीं आ जाया करो, मतलब ट्यूशन जा रही हूँ, कभी स्कूल जा रही हूँ, कभी दुकान सामान लेने, कभी मतलब बाहर निकल जाती हूँ तो बहता रहे पानी। हाँ दे भाई, ज़्यादा किसी को बोलो तो प्रॉब्लम। तो आपको दिखवाती हूँ, ये देखो वेल लगी है और ये स्विच है, तो ये भी चला लेते हैं, ये भी और हम भी। तो ये देखो ये तीनों मतलब बने हैं ना कमरे, तो इनमें एक में हम रहते हैं, उसमें पड़ोसी, तो हमारा इस तरफ से स्वच्छ है, और ये जो खिड़की दिख रही है ना तो उनका उस तरफ से गेट है, जो कि उनका अंदर से कनेक्शन है, तो वो चला के चले जाते हैं। टंकी एक ही है, मोटर एक ही है, तो जो बहता है ना पानी वो हमारे गेट के पास में बहता है। ये देखो अभी भी ताला लगा है, तो यहाँ से वो चला के चले जाते हैं वो दुकान में। तरफ से रहते हैं ना तो वो लोग मतलब ये अलग से स्विच लगा रखा है, उन्होंने चालू करना बंद करना वो अलग से है, और बस चालू कर देना है और चले जाना है दुकान, बंद करना ही नहीं है, दिमाग ख़राब कर दिया। एक दिन का हो दो दिन का हो ना तो चल भी जाए, मतलब दिन में चार चार बार भी भगो तो दिक्कत हो जाती है, वो क्या कि मतलब क्या बोल रहे हैं कि आ जाया करो, तुम्हारी एक्सरसाइज हो जाती है। अरे एक्सरसाइज करनी है तो यही काम रह गया, तो फिर यही काम करते फिरें, सबको सबकी प्रॉब्लम बताते फिरें, घर घर एक्सरसाइज हो जाएगी, लोगों का
बात करने का भी वो नहीं है। तो गाइस मैं रेडी हो गई हूँ, स्कूल जाऊंगी अभी बच्चों को लाने। मेरा ना पूरा दिन ऐसे ही कवर हो जाता है क्योंकि सबका अलग अलग टाइम है। सुबह हस्बैंड के लिए मुझे करना पड़ता है, फिर दोपहर से बच्चों का है, मतलब सुबह से नहीं है, सुबह ट्यूशन का है, एक का शाम को है, और दोपहर को फिर ये उसका है, मतलब स्कूल का। तो ऐसे ना टाइम हो जाता है, पूरा दिन हो जाता है, मतलब मैं आराम से सो नहीं सकती, क्योंकि 1 घंटे आराम कर लूँ सो लूँ। और गाइस एक अजीब बात बताऊँ कि ये देखो, ये इसका कूलर, ये 1 साल हो गए रखे इसको, हस्बैंड लेके आए थे, मतलब जहाँ पे काम कर रहे थे, तो उनका ऑनलाइन काम था इस चीज़ का, कूलर का। तो उन्होंने दे दिए, मतलब 2-3 दिए थे कि लो अगर बच्चे होंगे तो खेलते रहेंगे, ये चलते तो है नहीं, ख़राब है, बिकेंगे नहीं, तो ये ले जाओ। तो 3 थे, तो 2 लेबरों को दे दिए हस्बैंड ने कि चलो तुम्हारे भी बच्चे हैं छोटे, खेलेंगे, और मेरा छोटा वाला यस खेलता रहेगा। और गाइस 1 साल से रखा रहा मैंने, 100 पीस मतलब रख दिया कि चलो खेलने के काम आ जाएगा, ये चलता तो है ही नहीं, और पता नहीं ये कैसे चालू हो गया और ये चलने लग गया। तो बताओ, पूरी गर्मी निकल गई, सब कुछ निकल गया, सर्दी में चलने लग गया ये भी हद है। अभी ना ये सेल से चलता है, और चार्जर से भी चलता होगा, पर अभी इसका चार्जर वार्जर तो कुछ है नहीं है। और इधर ना ये देखो, खोलते हैं, इस पर बर्फ़ भी डाल दे, मतलब डाल सकते हो, ऐसे ही खोलता है इसको। तो इस पर बर्फ़ डाल दो, और देखो जाली भी है, तो बस गर्मी में चलाएगा यस, देखते हैं कैसी हवा देगा। पर अभी है, उस पर सेल है, देखो मैं आवाज़ आएगी, और वो वैसे तो आपको पता नहीं चलेगा, देखो मैं दिखाऊं, ये देखो बंद हो, ये बंद हो गया, ये बंद हो गया, अभी चालू हो जाएगी, देखना। तो यस तो बहुत खुश हो गया कि पता मैं पढ़ूंगा वहीं पे रख लूंगा आराम से, और हवा लेता रहूँ। अभी भी लेता है वो, मतलब को उसको शौक है कि अरे मेरा चलने लग गया कूलर, तो अभी भी लेट जाएगा और लेता रहेगा हवा, मतलब उसकी इतना पसंद आया ये। तो ये देखो फ्रेंड्स, मैं नज़दीक से दिखाऊँ, देखने में कितना सुंदर है, इस तरफ से लॉक है, उस तरफ से खुला है, और इधर है ना कुछ चार्ज का भी है, तो वो देखूंगी बाद में। पर ये ना पास से दिखाती हूँ, कितना प्यारा लग रहा है देखने में भी, हवा भी बहुत प्यारी दे रहा है, और अभी बर्फ़ डाल के नहीं देखी है वो, अभी गर्मी में देखेंगे, अभी वो चल रहा है तो अच्छा लग रहा है, यस बहुत खुश है। मैं गाइस जा रही हूँ बच्चों को लाने स्कूल से, आज है ना वीरवार है, तो आज लगता है बाज़ार, तो आज बहुत भीड़ होती है, तो आज थोड़ा मुश्किल होता है रिक्शा मिलना, पर देखते हैं साथ मिल जाए। तो ये देखो बाजार है ना अभी भरता जा रहा है, मतलब अभी लगाते जा रहे हैं दुकान वाले, शाम तक मतलब और अच्छे से लग जाएगा। तो गाइस स्कूल से बच्चों को ले आई, आज रिक्शा नहीं मिला, और देखो आते आते हमें रात हो गई, मतलब अंधेरा हो गया, भीड़ बहुत होती है आज के दिन ना, तो रिक्शा का इंतजार करते रहे, पर रिक्शा मिला नहीं। जिन्हें कहा इसमें बाहर आई हूँ एंड करने, अभी सभी बच्चों को खाना दिया, खाना ना खा के वो टीवी देख रहे हैं। चलो वीडियो एंड कर देती हूँ, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल में नए हूँ सब्सक्राइब कर लेना। गुड नाइट, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।